सो है गाइस, इट्स मी जिशांत जी। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूँ एमिवे बंटाए के न्यू एल्बम पे। रात के बज रहे हैं 4 और मैं बना रहा हूँ वीडियो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, मुझसे वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एमिवे बंटाए की एल्बम आ चुकी है जिसका नाम है किंग ऑफ स्ट्रीट्स। तो आज हम ये एल्बम पूरी कवर करेंगे, ठीक है। एक सॉन्ग अलग से होगा, उसके बाद जो पूरी एल्बम, उसके तीन तीन सॉन्ग, चार चार सॉन्ग हम करके पूरी एल्बम को कवर कर लेंगे। और ये सॉन्ग मैं आप लोग के साथ सुनना चाह रहा था, अकेले में बैठ के बिल्कुल भी नहीं सुनना चाह रहा था, क्योंकि मेरा मज़ा ख़राब हो जाता अकेले में सुनता। तो जो रिएक्शन मैं देना चाहता हूँ वो मैं आप लोग के सामने देना चाहता हूँ कि क्या रिएक्शन होते हैं और किस तरह ये एल्बम लिखी गई है। तो जो मैं आप लोग को बोल रहा था, एक सॉन्ग जो है वो अलग से कवर करेंगे, उस सॉन्ग का नाम है बेटा करता रैप, ठीक है। और सबसे ज़्यादा व्यू अभी तक इसी पर ही है, 3 घंटे हो चुके हैं, 1.5 लाख इस पर व्यू आ चुका है। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं सबसे पहले इस सॉन्ग पे रिएक्शन देता हूँ, उसके बाद में बाकी जो सॉन्ग होंगे उन पे रिएक्शन दूंगा। ओके, लेट्स गो। एक रूम लेना मुश्किल था, 3-4 फ्लैट है, लैपटॉप के दीवाने, आज सब कुछ मैं के 500 में किया मैं शॉर्ट, 25 लाख है वो भी इंडोर, आउटडोर तो स्टेडियम पैक है, जब भी गाने डालू बेटा हर बार कम बैक है, बेड़ा पार्स ने इससे स्पिट करता फैक्स में, जितना ड्रीम था कमाना उतना भरता टैक्स में, माँ बाप मेरे प्राउड, बेटा करता रैप है। बेटा क्या करता है? बेटा करता रैप है, माँ बाप बड़े प्राउड, बेटा करता रैप है, ढीले कपड़े मेरे बदन पे और सर पे कैप है, माँ बाप बड़े प्राउड, बेटा करता रैप है। हाँ बेटा क्या करता है? बेटा करता रैप है, माँ बाप बड़े प्राउड, बेटा करता रैप है, ढीले कपड़े मेरे बदन पे और सर पे कैप है, माँ बाप बड़े प्राउड, बेटा करता रैप है। 9 to 5 जॉब नहीं, 24 घंटा काम करते, समय को जो देखे ना वही लोग बेटा नाम करते, मेहनत कर यहाँ पे जमीन के नीचे आराम कर ले, नीचे जो गिरा रहे खड़े होंगे वही सलाम करने, बिना नींद लिए बड़े सपने देख रहा था, जीरा ड्रीम लाइफ क्योंकि गाने इतने फेंक रहा था, टांग खींचने में अपने वाले माहिर है, वो साथी नहीं टांग खींचने वाला केकड़ा था, टांग खींचने वाले अपने ही थे। करते थे आज 80 लाख दे के खड़ी गाड़ी नीचे घर के बे, हसल अपनी बेटा रोड पे थी, आज अपन करोड़पति, बिना कोई सवाल जवाब करके बे, बिना लेबल कैसे जीतने का सिखाया मैं, टॉर्च मेरे हाथ में ये रास्ता भी दिखाया मैं, रास्ता ये बात जिसे खोल डाला भाई ने कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी कमा सकता बताया मैं, अकेले करा मैं जाहिर है लोग जलेंगे, करोड़ों का सोना बेटा माँ के हाथ और गले में, जिसके दिल में था खोट वो सब चले गए, साफ जिसका दिल बेटा साथ वही चलेंगे, मैं दोस्त बनाना जानता नहीं और दोस्त बनाना चाहता नहीं, दोस्त बनाया जिससे वो दोस्त बनना जाना नहीं, बना मैं कमीना क्योंकि भलाई का जमाना नहीं, जरूरत पे चला गया तू वापस लौट के आना नहीं, जो भी है तू रियल रे दुनिया से शर्माना नहीं, जितना दिया मैं उतना किसने दिया गाना नहीं, खुद से मैं बनाता मुखे लोग बोले गवाना नहीं, रुलाना नहीं, माँ बाप से कीमती कोई खजाना नहीं, बिना जानकारी लोग आते देने बस सलाह, पूरी रात करूँ काम अपुन शान की तरह, बेड़ा सुनने का सबकी और करने का मन की, दुनिया में तू आया एक मेहमान की तरह, परिवार से कोई इंडस्ट्री में नहीं है, आज मेरी तरह इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है, सब साले जलते हैं जब भी अपुन चलते हैं, मिला मुझे सब बेटा जो भी मुझे चाहिए, बिना लेबल क्या कमाएगा, कर रहा करोड़ों में डील क्लोज, खुद का लेबल लाया यही बोलना चाह रहा था ब्रो, लालच देता कागज कितने ऑफर्स करा मना, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना था आज जी रहा हूँ मैं ड्रीम ब्रो। हाँ बेटा क्या करता है? बेटा करता रैप है, माँ बाप फड़े प्राउड, बेटा करता रैप है, ढीले कपड़े मेरे बदन पे और सर पे कैप है, माँ बाप फड़े प्राउड, बेटा करता रैप है। हाँ बेटा क्या करता है? बेटा करता रैप है, माँ बाप फड़े प्राउड, बेटा करता रैप है, ढीले कपड़े मेरे बदन पे और सर पे कैप है, माँ बाप फड़े प्राउड, बेटा करता रैप है। सोचो ये अभी एक सॉन्ग है ब्रो, अभी 7-8 सॉन्ग और बाकी है एमिवे बंटाए के, इसके अंदर एमिवे बंटाए ने ऐसे ऐसी बातें बोली ना जो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ एमिवे बंटाए के साथ, ठीक है। कि उससे बोला है कि बदन पे ढीले कपड़े और पहनता कैप है, क्योंकि मेरा तो भाई यही असूल है, ट्राउजर और खुली टी शर्ट पहन के आराम सुकून से घर में घूमता हूँ, ठीक है। बाहर जब जाना होता है तब बंदा अच्छे कपड़े पहन के तब बाहर निकल जाता है, बट ज़्यादातर मैं घर में रहता हूँ और यू नो
मुझे ऐसी टी शर्ट है, खुली टी शर्ट है, खुले कपड़े पहन के घर में रहना पसंद है यार। अभी तो ये एक सॉन्ग है, मेरे मेरे दिमाग से तो अभी वो बात जा ही नहीं रही एमिवे बंटाई की, जो एमिवे बंटाई ने पिछले सॉन्ग के अंदर बोला था, अकेला ही मैं पड़ा सब पे भारी पूरी इंडस्ट्री के खिलाफ बंटाई जीरे लाए हिप हॉप। अभी तक ये बात मेरे जहन से नहीं निकल रही। और एमिवे बंटाई ने अपनी न्यू एल्बम दे दी अभी, और इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें अभी कैच करनी पड़ेगी एमिवे बंटाई की। ब्रो मैं भाई मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, और मैं तुम लोग को बोल बताऊंगा तो तुम बोलोगे दोगला ही है। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, मैं एमिवे बंटाई का मैंने नाम नहीं लिया जब एमिवे बंटाई की पिछली एल्बम आई थी, ठीक है, तब से मैं एमिवे बंटाई का बहुत बड़ा फैन बन चुका था तब से। लेकिन मैंने आप लोग को ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं तब एमसी स्टैंड और जो योहानी सिंह का था। तो तुम लोग ये ना बोलो दोगला बंदी कर रहा है, ये पार्टियाँ चेंज कर रहा है, पार्टियाँ बदल रहा है। नहीं यार ब्रो, अब मैं हक से बोल सकता हूँ एमिवे बंटाई का मैं फैन हूँ। भाड़ में जाए जिसने जो बोलता है बोलता रहे। और मैंने एक बात और बोली थी यार, एमिवे बंटाई ऐसा आर्टिस्ट है पूरी इंडस्ट्री को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। और अगर एमिवे बंटाई ने बॉलीवुड को डिस कर दिया ना गेम ऑन है। और मुझे एमिवे बंटाई की ये बात बहुत अच्छी लगती है, किसी लेवल पर एमिवे बंटाई सॉन्ग नहीं देता, ठीक है, एमिवे बंटाई किसी लेवल को सॉन्ग नहीं देता, खुद ही सॉन्ग बनाता है और अपने खुद के ही चैनल पे एमिवे बंटाई ड्रॉप करता है सॉन्ग। वेट, हाँ तो मैं ये बोल रहा था एमिवे बंटाई किसी लेबल को सॉन्ग नहीं देता, ठीक है, और एमिवे बंटाई की ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अपने चैनल पे ही एमिवे बंटाई जो है अपने सारे गाने ड्रॉप करता है। एमिवे बंटाई जितनी मेहनत करता है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्टिस्ट इतनी मेहनत करता होगा, क्योंकि एमिवे बंटाई सॉन्ग्स पे सॉन्गों की एमिवे बंटाई ने लाइनें लगा दी यार। एमिवे बंटाई जैसा कोई नहीं है। एमिवे बंटाई सीन में जिस दिन आ गया किसी के खिलाफ सब खत्म होने वाला है भैया। हिप हॉप इंडस्ट्री की बात है, अपनी अपनी कुर्सियाँ संभाल लो। एमिवे बंटाई का न्यू एल्बम आ चुका है, अब तुम्हारा काम अभी कुछ टाइम के लिए ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब एमिवे बंटाई का एल्बम ही एल्बम चलेगा। ये एल्बम एमिवे बंटाई का अभी तो अभी काफ़ी टाइम तक चलेगा, ठीक है। अब आपकी पेटी अभी बंद कर दो, कुछ टाइम बाद इसको खोल देना ये सॉन्ग मैं वापस सुनना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोग के साथ। ओके लेट्स गो। एक रूम लेना मुश्किल था, तीन चार फ्लैट है, लैपटॉप के दीवाने, आज सब कुछ मैं के 500 में किया मैं शो, आज 25 लाख है वो भी इंडोर आउटडोर, तो स्टेडियम पैक है, जब भी गाने डालू बेटा हर बार कम बैक है, बेड़ा पार नहीं इससे स्पिट करता फैक्स में, जितना ड्रीम था कमाना उतना भरता टैक्स में, माँ बाप मेरे प्राउड, बेटा करता रैप है। बेटा क्या करता है? बेटा करता रैप है, माँ बाप बड़े प्राउड, बेटा करता रैप है, ढीले कपड़े मेरे बदन पे और सर पे कैप है, माँ बाप बड़े प्राउड, बेटा करता रैप है। हाँ बेटा क्या करता है? बेटा करता रैप है, माँ बाप बड़े प्राउड, बेटा करता रैप है, ढीले कपड़े मेरे बदन पे और सर पे कैप है, माँ बाप बड़े प्राउड, बेटा करता रैप है। 9 to 5 जॉब नहीं, 24 घंटा काम करते, समय को जो देखे ना वही लोग बेटा नाम करते, मेहनत कर यहाँ पे जमीन के नीचे आराम कर ले, नीचे जो गिरारे खड़े होंगे वही सलाम करने, बिना नींद लिए बड़े सपने देख रहा था, जीरा ड्रीम लाइफ क्योंकि गाने इतने फेंक रहा था, टांग खींचने में अपने वाले माहिर है, वो साथी नहीं टांग खींचने वाला केकड़ा था। चिल्लर जमा करते थे, आज 80 लाख देके खड़ी गाड़ी नीचे घर के बे, हसल अपनी बेटा रोड पे थी, आज अपन करोड़पति, बिना कोई सवाल जवाब करके बे, बिना लेबल कैसे जीतने का सिखाया मैं, टॉर्च मेरे हाथ में ये रास्ता भी दिखाया मैं, रास्ता ये बात जिसे खोल डाला भाई ने, कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी कमा सकता बताया मैं, अकेले करा मैं जाहिर है लोग जलेंगे, करोड़ों का सोना बेटा माँ के हाथ और गले में, जिसके दिल में था खोट वो सब चले गए, साफ जिसका दिल बेटा साथ वही चलेंगे। मैं दोस्त बनाना जानता नहीं और दोस्त बनाना चाहता नहीं, दोस्त बनाया जिससे वो दोस्त बनना जाना नहीं, बना मैं कमीना क्योंकि भलाई का जमाना नहीं, सरहद पे चला गया तू वापस लौट के आना नहीं, जो भी है तू रियल रे बे दुनिया से शर्माना नहीं, जितना दिया मैं उतना किसने दिया गाना नहीं, खुद से मैं बनाता वो खेल लोग बोले गवाना नहीं, रुलाना नहीं माँ बाप से कीमती कोई खजाना नहीं, बिना जानकारी लोग आते देने बस सलाह, पूरी रात करूँ काम अपुन शान की तरह, बेड़ा सुनने का सबकी और करने का मन की, दुनिया में तू आया एक मेहमान
आसमान की तरह है। परिवार से कोई इंडस्ट्री में नहीं है, आज मेरी तरह इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। सब साले जलते हैं जब भी अपन चलते हैं, मिला मुझे सब बेटा जो भी मुझे चाहिए। बिना लेबल के कमाएगा करा करोड़ों में डील क्लोज, खुद का लेबल लाया खुद पे करा मैं यकीन ब्रो। लालच देता कागज कितने ऑफर्स करा मना, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना था आज जी रहा हूं मैं ड्रीम ब्रो। हां बेटा क्या करता है? बेटा करता रैप है, मां बाप फड़े प्राउड। बेटा करता रैप है, ढीले कपड़े मेरे बदन पे और सर पे कैप है, मां बाप फड़े प्राउड। बेटा करता रैप है। हां बेटा क्या करता है? बेटा करता रैप है, मां बाप फड़े प्राउड। बेटा करता रैप है, ढीले कपड़े मेरे बदन पे और सर पे कैप है, मां बाप फड़े प्राउड। बेटा करता रैप है। यार अभी वे बनता है, हाँ मालूम है ना। भाई एमए बनता है हमें ये सिखा रहा है कि सिर्फ जो करना है करो और हार्ड वर्क करो, बस कभी भी पीछे मत हटो, ठीक है। जितने भी आर्टिस्ट है ना, ये इन्होंने बड़ी रातें काली करी हैं अपने, ठीक है। ये ऐसे आगे नहीं आए, मेहनत करके हार्ड वर्क करके ये लोग आगे आए, ठीक है। एमवीपी बनता है, एमवीपी बनता है, एमवीपी बनता है, ऐसा कोई नहीं है ब्रो। मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।